हेलो डियर सैजिटेरियस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ये एक जनरल रीडिंग है, ये आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी। तो आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा, आपके साथ रेजोनेट कर रही है या नहीं। तो इट इज द रीडिंग फ्रॉम 25th of October टिल 1st of November। सो लेट्स सी आपकी एनर्जी क्या है सैजिटेरियस। नई शुरुआत, अरे वाह, ब्यूटिफुल कार्ड्स। ओके, सो दिस इज एस ऑफ वॉन्ड्स। आप नई शुरुआत करने वाले हैं बिजनेस में। बिजनेस से रिलेटेड ये कार्ड होता है, ये फिजिकल एक्शन से रिलेटेड कार्ड होता है। मुझे लगता है आप ट्रेवल भी कर सकते हैं, अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं, कुछ नई जॉब, कुछ नया जॉब ऑफर, कुछ भी ऐसा आप शुरू करने वाले हैं। बहुत प्यारी सी एक शुरुआत होती है। एस ऑफ वांड्स इज लाइक फिजिकल एनर्जी आप में बहुत है, आपको एक्शन लेने की जरूरत है। अगर आपने किसी चीज को प्लानिंग प्लॉटिंग कर रखी है सेजिटेरियस, लेकिन आप उस पर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो दिस इज द राइट टाइम, प्लीज डू इट। दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू डू इट। द स्टार कार्ड आपके साथ, यूनिवर्स आपके साथ है। द स्टार कार्ड इज ब्यूटिफुल होप्स, ब्यूटिफुल पॉजिटिविटी। आप जिस काम को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं ना, वो काम आपके लिए अच्छा होगा, वो जो सपना है आपका वो जरूर पूरा होगा। वो मुझे उसमें पॉजिटिविटी नजर आ रही है। इट इज लाइक फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस वाली, जॉयफुल वाली मेरे को फीलिंग्स आ रही है। ये सब तो ये काम से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया। एंड देर इज समथिंग, एट ऑफ कप्स इज देयर, देर इज समथिंग दैट यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम। There's something in your life, maybe आप किसी रिलेशनशिप से भाग के जा रहे हैं, किसी चीज को आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। ये मुझे ना इमोशनल स्टेबिलिटी से रिलेटेड कार्ड लग रहा है सेजिटेरियस। कुछ ऐसा है जिसमें आपको इमोशनली हैप्पीनेस फीलिंग नहीं आ रही है, आपको अकेला लग रहा है, आपको परेशानी दे रही है, वो चीज बोझ बोझ सा लग रहा है, बैगेज लग रहा है उस काम को करने में। आपको लग रहा है यार मैं ये नहीं हूं, मैं नहीं कर सकता इस काम को। आप उस सिचुएशन से मुझे चलते हुए जाते हुए नजर आ रहे हैं, उस चीज को आप छोड़कर आगे बढ़ने वाले हैं सेजिटेरियस। एंड दिस इज द सेवन ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज द सेवन ऑफ वॉन्ड्स। आप अपने ग्राउंड पे टिके रहिए, आप अपने स्टैंड पे टिके रहिए। क्योंकि ना अगर आप अपने स्टैंड पे नहीं रहेंगे ना, तो आप परेशान रहेंगे। क्योंकि जिस चीज से आप बैगेज फील कर रहे हैं, जिस चीज से आप परेशान फील कर रहे हैं, वो चीज अगर आपने नहीं छोड़ी, तो आप परेशान होते ही चले जाएंगे। आपको अपने ग्राउंड पे, आपको अपना एक फर्म पॉइंट पे खड़े रहना है। आपको अपने ग्राउंड पे अड़िग रहना है कि मैं इस चीज से नहीं हिलूंगा, ये मेरा डिसीजन है, मुझे अपना लाइफ का डिसीजन खुद ही लेना है। एंड दिस इज द थ्री ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, जिस सिचुएशन से आप जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो हो सकती है एक इमोशनल सिचुएशन हो, एक लव ट्रायंगल की मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है। हो सकता है कि ये लव ट्रायंगल ना हो, लेकिन किसी ऐसे का इंटरफेरेंस हो आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आपका किसी दूसरे के साथ रिलेशनशिप खराब हो रहा है। लेकिन आपको अपने स्टैंड पे रहना है, आपको अपने ग्राउंड को नहीं छोड़ना है सेजिटेरियस। क्योंकि आप अपने ग्राउंड पे अगर खड़े रहेंगे, अगर आपको लगता है कि आप अगर आप ठीक हैं, तो आप अपने ग्राउंड पे खड़े रहिए। ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो भी आपको बॉदर कर रहा है, जो भी ये बंदा है या बंदी है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये धीरे 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 अपने आप रिजोल्व होते चले जाएंगे, अगर आप अपने ग्राउंड को नहीं छोड़ेंगे, अगर आप अपनी बात पे अड़िग रहेंगे। डिसीजन आपको लेना है सेजिटेरियस, अदरवाइज आप परेशान होंगे। देखिए, मुझे फिजिकल एक्शन दिख रहा है, नया स्टार्ट है, नया काम है, उसमें पॉजिटिविटी है, उसमें होपफुलनेस है, उसमें ब्यूटी है। लेकिन देयर इज समथिंग दैट इज इमोशनली बोदरिंग यू। इस चीज को आपको सॉल्व करना है। इस चीज से, सिचुएशन से आप निकल तो जा रहे हैं, लेकिन अगर आपने अपना स्टैंड नहीं लिया, अपना ग्राउंड पे आप खड़े नहीं रहे, तो आपको परेशानी हो सकती है। तो आपको अपना स्टैंड लेना है सेजिटेरियस। नो मैटर वॉट अदर पीपल से, यू हैव टू स्टैंड ऑन योर ग्राउंड, ऑन योर ओन फीट, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। ओके सेजिटेरियस, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। आई होप ये आपको अच्छी लगी होगी। लेट्स सी एंजल्स आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। मैं जानना चाहती हूँ व्हाट एंजल्स वांट्स टू से टू यू। दिस इज एन एडवाइस फॉर एवरी एवरी सनसाइन। सो लेट्स सी, परफेक्ट टाइमिंग। दिस इज द परफेक्ट टाइमिंग टू डू व्हाट एवर यू वांट टू डू इन योर लाइफ। दिस इज द परफेक्ट टाइमिंग। ओके, डोंट डिले इट फर्दर। अगर आप कुछ ऐसी चीज है जो आप करना चाह रहे थे बहुत दिनों से, आप डिले करते जा रहे हैं, डिले करते जा रहे हैं, प्लीज उसको और ज्यादा डिले मत कीजिए। दिस इज द परफेक्ट टाइमिंग फॉर यू सेजिटेरियस, जस्ट डू इट। ओके, लेट्स सी, लेट्स पुल अनदर कार्ड। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स। सो मेडिटेशन कीजिए, आपको ऐसे ऐसी चीजें जो है ना, अपने आप आइडियाज आते हैं मेडिटेशन से। कई बार ना आपका दिमाग की बत्ती एकदम से जल जाती है कि यार उफ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो ये वाली चीज जो है आपको करनी है सेजिटेरियस। सो दिस इज द रीडिंग फॉर यू सेजिटेरियस। इफ यू लाइक इट, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन इफ यू लाइक इट। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू। नमस्ते।